मिर्च कटले फेले सिर्फ अम्मू गले कह नहीं शाबाश बस कौन था अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू एमजे व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं डिनर के लिए। आज हम लोग बाहर जा रहे हैं और आपको बताते हैं कि डिनर किस बात का है, किस खुशी में है। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ रॉयल नवाब पर। अच्छा, तो ये जो डिनर है नुमान भाई की उम्रे से वापसी की खुशी में था, क्योंकि बीच में जो है ना काफ़ी जो है ना और गेट टुगेदर्स बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो ये ज़रा पेंडिंग हो गई थी। तो आज हमने कहा फाइनली इसको भी जो है ना कर लेते हैं। तो आज यहाँ का डिनर हमने रॉयल नवाब पर अरेंज किया है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे तो बहुत ही हैप्पी हैं। बाबा मैं लू पकड़ के बैठो। और यहाँ पर आ गई हमारी प्यारी सी मेरा। मेरा माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक इसके नेक नसीब करे। अच्छा, तो अब सब लोग आ चुके हैं और जो है ना यहाँ पे जो है मेरी सिस्टर राफिया की भी बर्थडे है, तो वो भी साथ में सेलिब्रेट होगी। शफीक अहमद खोल दे रोटी, ये वही हाल है। आवाज़ें तो आपने सुनी ही होंगी, जब खाना लग जाए तो फिर सबको सब चाहिए होता है। और यहाँ मैं अब ये गर्मा गर्म फिश इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, यकीन जाने फिश बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और जो ये प्लेटर है ज़बरदस्त, इसका टेस्ट तो बहुत ही कमाल था, बहुत ही टेस्टी था। वो आप लोगों को इसकी शक्ल से भी पता चल रहा होगा। और यहाँ पे हम लोगों की साथ में बिरयानी भी थी, फ्राइड राइस भी थे। सब मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या हमने खाया। मैंने ज़्यादा नहीं खाया, बस थोड़ा थोड़ा लिया, क्योंकि जब इतना ज़्यादा फूड हो तो फिर आप ना ज़्यादा खा नहीं सकते। ये एक फैमिली डिनर है और इसमें हमने बहुत सारी गपशप की, बहुत सारा मजाक किया, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारा, एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर की और खूब हंसी मजाक हुआ। तो क्या हुआ कि साथ मिल बैठ के खाना भी खाया और साथ में गपशप भी लगाई। और यहाँ पे हम लोगों ने बीफ कढ़ाई भी ऑर्डर की थी और साथ में चिकन कढ़ाई भी की थी। ये बीफ है और चिकन कढ़ाई भी थी, तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत थी। सब ने पेट भर के खाया, खुशी से खाया और बहुत इन्जॉय किया। मैंने ये बस थोड़ा सा बीफ टेस्ट किया, फ़ियाज़ ने कहा आज खैर तो है चिकन छोड़ के बीफ की तरफ आ रही हो। मैंने कहा कि नहीं, आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं बीफ टेस्ट करूं। और ये भी सारा नहीं खा सकी, थोड़ा सा बचा दिया। उसके बाद फ्राइड राइस है, ये बहुत ही टेस्टी थे। वैसे मुझे अक्सर अच्छे नहीं लगते बाहर के, लेकिन ये बहुत यकीन जाने बहुत अच्छे थे, टेस्ट बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर अब मैं ये थोड़े बहुत खाऊँगी और उसके बाद हम लोग जो है ना, मेरा वैसे पेट तो फुल हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने जो भी दिया, जो भी खिलाया, सब के लिए शुक्र है। अल्लाह पाक इसी तरह हर किसी के घर में खुशियां पैदा करे, हर कोई हंसता मुस्कुराता रहे। और अब टाइम हो चुका है फाइनली केक का। जो बच्चे जो है ना बड़े बेसब्रे हैं, बच्चों को केक बहुत ज़्यादा पसंद है और ये कह रहे हैं कि बस जल्दी से केक कट करें और उसके बाद हमें खाने दिया जाए। तो अब यहाँ पर राफी अपना केक कट करेगी और हम सब लोग ये केक इन्जॉय करेंगे। वैसे फुल तो बहुत हो चुके हैं, केक की जगह बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्ट कर लेंगे। वैसे ओवरऑल जो आज हमने रॉयल नवाब पे खाना खाया है, सब कुछ बहुत ही टेस्टी था। आप लोग भी आएँ, ज़रूर विज़िट करें यहाँ पर, इनका खाना बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ले अपना खुद बना। अच्छा जी, तो आज का मेरा व्लॉग भी इतना ही था। तो अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो मेरे व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है, हमें दुआओं में याद रखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़। हाय।